कौन सा खजूर है ये देखिए दोस्तों, एकदम ये पका हुआ है। ये देखिए बीज भी निकल गया इसका, इसमें इस पूरे बागान के रखवाली करते हैं। और ये अजवा दिखाते हैं, अजवा का दरख्त ये वाला ना, ये देखिए ये रोतान है। अच्छा, इसको बोलते हैं रोतम हो गया ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्ताब फुट नोट्स। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आप सभी को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं खजूरों के बागान में। यहाँ पे सारे दरख्त जो हैं खजूर के दरख्त हैं। आपको दिखाते हैं कि इसकी जो है खेती किस तरीके से होती है, किस तरीके से खजूर की कटाई होती है, कौन कौन से खजूर यहाँ पे होते हैं और किस तरीके से यहाँ पे खजूरों को पानी दिया जाता है, जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में। बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस है मेरा, पहली मर्तबा मैं इस टाइप के बागान में आया हूँ, तो बड़ा ही मतलब अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भाई आ गए क्या? यहाँ पे लोगों के बाकायदे घर है, यहाँ पे बकरी पालन वगैरह सब कुछ कर रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम, कोई है भाई? भाई ये घोड़े भी यहाँ पाले गए हैं। सही है। कुछ ये वादियों में भी किस तरीके से लोग रह रहे हैं यहाँ पे? लाला मुकीम है ना, हाँ मक्का, मक्का अल मुकर्रमा। एक अमेजिंग एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं खजूरों के बागान का। ये एक साहब हैं जो लेकर के जा रहे हैं। अच्छा, अमेजिंग एक्सपीरियंस है यार ये तो। अस्सलाम वालेकुम भाई, छोटा जो भी काम है। अच्छा, इसमें कौन कौन से खजूर हैं, क्या क्या नाम है इसका? अजवा है, सफावी है। अजवा भी है इसमें? अच्छा, ये सारा दरख्त है जो। अच्छा, ये अजवा का है ना? ओ, 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 ओ। ये क्या बोल रहे हैं? ये तो बोलता है उधर इसके ले जाओ उधर जमा के पास। अच्छा, ये अजवा का दरख्त है। अच्छा, ये अजवा का दरख्त है, ये कपड़ा वाला सारा अजवा। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ये पक के नीचे गिरते हैं? बांधा गया है ताकि वो जो ना वेस्ट ना हो भाई। अजवा है जी 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 जी, और बहुत पुराने पुराने दरख्त लग रहे हैं ये, है ना? ये देखिए कितना ऊपर तक गया है, जितना ऊपर गया समझिए उतना पुराना है ये। अच्छा, ये जो ये गुच्छा जो दिख रहा है ये 20 गुच्छे हैं। अल्लाह अकबर, और एक गुच्छे में कम से कम 3-4 बड़ा बड़ा देखो, 5-7 किलो होता होगा। 5-7 किलो ना? नहीं, 7 किलो क्यों भैया, ज्यादा है 7 से ज्यादा। ये देखिए, ये एक में कम से कम 10 किलो से ऊपर तो हो गई। रबिया। और ये अजवा दिखाते हैं, अजवा का दरख्त ये वाला ना। ये अजवा दरख्त है, अजवा का ये दरख्त है। और ये देखिए, ये कुछ ये क्या लगा है? ये दवाई लगा हुआ है ना? नहीं, खाना नहीं है। इसको साफ करके खाओ। जी 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 जी, ये दवाई लगा हुआ है। देखो ये छोटे छोटे बकेट, कीड़ी है ना, कीड़ी आता है ना। हाँ जी 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 जी, जो खरीदा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये पूरा अजवा है। हाँ, ये पूरा अजवा का दरख्त है। तो रियाज, तो रियाज तुम्हारे मेहमान आ गए भाई। और उम्र उम्र हो गया आपका, मुबारक हो आपको। अल्लाह आप लोग को भी आमीन आमीन। चलो ठीक है, मजा देख रहे हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, मजा देखो, से खजूरें देखो, वो देखो, काट काट के गुच्छे काट काट के रखे गए हैं यहाँ पे, रखे हुए हैं गुच्छे। और इसका नाम क्या? तो आई साहब आप अभी इधर ही बैठे हैं ना? अभी है, बस आज निकल जाएंगे, निकल जाएंगे फिर मक्का के लिए। पापा है हमारे, जन्नत को कभी हाथ से जाने नहीं देना। बेशक मैं सच कह रहा हूँ, मुझे मस्किन को देखो ना, मैं उससे बे हो गया हूँ। चलो अल्लाह खैर करेगा। आई साहब इधर हो जी,
ये कुंडा है ना इसका, ये जी 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 ऐसा भी वो बना रहे हैं ना, मूवी बना रहे हैं वो, ये कुंडा है, ये क्या करते हैं, ये नीचे रखते हैं ऐसे जी, ऐसे पहन के जी, फिर ये कुंडा लगाते हैं ऊपर, ठीक है, तो इसके बल के ऊपर ये क्या करते हैं फिर पीछे रख के, तो ये जो गुच्छे हैं ये इसके, ये गुच्छा जी 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 जी, ये गुच्छे जी, ये तो काटते हैं पहले, तो ये इसको बोलते हैं रोतुब, रोतुब को हो गया कि आधा कच्चा आधा पक्का, अच्छा ठीक, अच्छा ये उठाते हैं मतलब आधा कच्चा आधा पक्का, अच्छा उठाने के बाद ये सऊदी लोग खाते ज्यादा, ये हमारे जो अजनबी लोग हैं, हम जो इंडिया पाकिस्तान के हैं या बांग्लादेश वगैरह के, हम लोग ये रोतुब नहीं खाते हैं, तो ये खाते हैं रोतुब आधा कच्चा आधा पक्का चाय के साथ, ऐसे भी खा लेते हैं ये, ठीक है ना, तो ये काट के जब ये पक जाती है खजूर, तो फिर उसको पूरी खजूर उठा के कर्तूनों में पैक करके, बॉक्स में पैक करके, फिर ये मार्केट में बेचते हैं कभी कहीं कहीं किसी मुल्क में। ये हो गया रोहतान, इसको बोलते हैं रोहतान, ये रोहतान हो गया रोतुब, तो जो अजवा है जी। अजवा अलग से है, अजवा उधर है, मैं आपको हाँ ये देखिए, बस बस ये जो खजूर है इसको बोलते हैं सफावी, ये बड़ी लंबी खजूर होती है, बड़ी होती है, ये तीन खजूर खा लो आपको खाने की जरूरत नहीं है, जी, जी, जी। ये सफावी है, ये जब पकती है तो सूखती है उस वक्त इसको काटते हैं, अच्छा। ये सफावी है, अच्छा। तो ये बड़ी यानी इसके साथ चीनी भी बनती है, अच्छा। जो चीनी है ना, अच्छा, चीनी बनती है इसके साथ, जो बने चीनी बनाते हैं, और मैं आपको और दिखाता हूँ, ये जो है ये सब रोहतान है, ये रोहतान है, हाँ जी रोहतान, यानी जो आधा कच्चा आधा पक्का होता है, आधा कच्चा आधा पक्का जो खाते हैं ना ये, जी जी ये रोहतान है, मतलब ये आधा कच्चा आधा पक्का ही उठाते हैं, अच्छा हाँ, उसको बोलते हैं रोतुब, पूरा पकने नहीं देते, पूरा पकने नहीं देते, उसको बोलते हैं रोतुब, और ये बहुत महंगा होता है, अच्छा जी, अच्छा ये आ गया वो, ये मशक्कल है, यानी मशक्कल का मतलब हो गया मिक्स, मिक्स हो गया, अच्छा मिक्स है, मिक्स है, यानी इसका कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है, मतलब हर तरीके का इसमें आते हैं, ओके ये वो खजूर हैं, ये जो कम से कम 200 पेड़ जो है ये रोहतान का है, इस तरफ ये जितने सब 200 पेड़ 220 पेड़ है हमारे पास, जी 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 रोहतान का है, उसके बाद खजूर जो है वो इसकी अजवा की जो है, अजवा जी 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 वो उस तरफ है, अजवा भी तकरीबन 200-250 अजवा है, अच्छा तो 250 दरख्त माशाल्लाह, क्या नाम भाई, क्या नाम है, इमरान, यार भाई क्या ठीक हो, क्या नाम है, शुक्रिया, अली दोस्त माशाल्लाह, भाई क्या नाम है, गुलाम अब्बास माशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूं, जी जी जी, अच्छा भाई जान काट रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ये सब, अस्सलाम वालेकुम, ये लेबर है, जी 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 ये लेबर कुछ उधर बैठे हैं, कुछ ये हैं, ये लेबर है, वो लड़का है, ये पाकिस्तान के हैं, जी ये खाते हैं, वो देखो वो गिन्नू काट रहा है ऊपर, ये देखिए ये हमारा बड़ा गुरु है, ये बड़ा है, ये काट रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी वीडियो बन रही है आपकी, मेहरबानी अल्लाह तुम लोग खुश करे भाई, हाँ ये सब बड़ा है हमारे सारे आदमी को, मुदीर है माशाल्लाह, अभी कबीर मुदीर यही है, तो अभी ये काटने जा रहे हैं, ये काटे बस खलास हो गया अभी। अच्छा हो गया, कट गया, अभी आज ही आएगा खाएगा, अब मैं आपको रोतुब दिखाता हूँ, रोतुब जी, रोतुब को किसको बोलते हैं, ये रोहतान है, अच्छा अच्छा इसको बोलते हैं रोतुब, रोतुब हो गया, ये कच्चा आधा पक्का है, ये जो इसका है ये आधा ये पक्का है, जी जी जी, इस साइड का कच्चा है, ये बहुत लजीज होता है, जी जी जी, तो बहुत गर्म होता है, तासीर इसकी बहुत ज्यादा गर्म होती है, और ये छोटे लोग ज्यादा खाते हैं, गावा के साथ पीते हैं, हाँ गावे के साथ ही खाते हैं, ये रोहतुब, ये सब रोहतुब है, ये रोहतुब हो गया, अभी ये अब माल खत्म हो रहा है अभी, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, जब ये माल अच्छा निकलता है तो ये बहुत अच्छी खजूर निकलती है, और मैं आपको इधर दिखाता हूँ, अजवा है, जी जी जी, ये देखिए, ये सफावी है, ये सफावी है ये सफावी की खजूर है, ये बड़ी अभी छोटी है ये, लेकिन इससे भी लंबी होती है, इससे लंबी होती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये छोटी खजूर, ये अजवा है, ये अजवा नंबर एक है, ये अजवा नंबर एक है, और ये खजूर जो होती है, जी जी जी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से जो पेड़ लगाए थे, जी जी, ये उसी का ये लाश चल रही है अभी तक, ये अजवा इसको बोलते हैं, ये अजवा है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सब माल जो है ये इकट्ठा किया हुआ है, ये सब करके चले चला हुआ, अच्छा ये सब माल जो है ये पूरा पैक्ड है, पैक कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ मदीर है, यहाँ पर ये जो माल पैक कर रहे हैं, माशाल्लाह, क्या नाम है सर,
ये अब्दुल कादर है, अब्दुल कादर भाई, ये अब्दुल कादर भाई हैं। तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये माल यही पैक कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं यहाँ पर, ये खजूर कैसे क्या कर रहे हैं। ये एक आपको देंगे सफावी की, ये सफावी है, ये अजवा की आप दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, ये सफावी है, ये सफावी। आप आए हो हमारे घर में, रियाज भाई की मोहब्बत देखिए, ये हमने मजा इनको बेचा हुआ है, ये इनको खरीदा हुआ है, ये जितना भी ये खजूर है सब इन्होंने खरीदी हुई है, ठीक है ना। तो हम जो है वो मजरे के, मतलब हमारा मजरा हमारा है, यानी हम कफील के साथ काम कर रहे हैं, हमारा मजरा है। तो ये है, तो ये यहाँ के मतलब अभी हमारे कपड़े कुपड़े ऐसे आपको पता है काम पे लगे हुए हैं, ऐसे ही है। ये हमारे कफील है, इनका नाम है सलीम फाइज रहेली, हम इनके साथ 10 साल से हम मिले। तो आप हैं रियाज भाई, माशाल्लाह आपका जो है इखलास खलूस बहुत अच्छा लगा रियाज भाई, और इंशाल्लाह आप हमेशा जो है दुआओं में याद रखेंगे, आमीन, आमीन, आमीन। और जब भी यहाँ पे आएंगे आपसे मुलाकात जरूर करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, है ना। माशाल्लाह ये भाई जो है ये काट रहे हैं, बताइए इतने मजबूत होते हैं कि ये पूरा वेट जो है सहन कर सके, है ना। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? गुलाम हैदर। माशाल्लाह गुलाम हैदर, काटे जी जी जी। तो भाई क्या नाम है? क्या नाम है? नाम है हमारा इमरान। इमरान भाई क्या क्या काम है आपका यहाँ पे? ए, खजूर का काम करते हैं। खजूर में क्या क्या काम करते हैं आप? ए, अजवा का है, सवाई है, अंबर है। इसमें क्या काम करना पड़ता है आपको? पानी देना होता है या क्या करना होता है? पानी भी देना होता है, घास कट रहा है। अच्छा, घास, ये जो घास उग रही है, घास है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे काम है इधर। और ये कटिंग भी कभी कटिंग करते है? गेहूं कटते है। अच्छा अच्छा, हाँ अभी खत्म हो गया। तो इसका क्या बीज लगाया जाता है या कैसे किया जाता है इसको? इसका ये खजूर का जो है बीज लगाया जाता नहीं, है नहीं, वो बचा है, निकालते उसको, पोखते है उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, पौधा लगाते हैं? पौधा। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना वक्त लगता है लगभग? थोड़ा सा मतलब फल देने लायक 2-3 साल लगते है। 3 साल में फल देने लायक हो जाता है? 3 साल में लगता है। अच्छा, इस बाग में कितने दरख्त होंगे लगभग? होंगे 1500 होंगे। 1500 दरख्त होंगे? अल्लाह अकबर। और एक दरख्त से तकरीबन 1 क्विंटल तो खजूर निकलता ही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसके इसको निकालेंगे दूसरे जगह, ये अपने आप उग जाता है? आप, आप। अल्लाह, ये जो है दोस्तों ये निकालेंगे, ये इसके समझिए एक तरीके से बच्चे हैं, इसको यहाँ से निकाल करके किसी और जगह प्लांट करेंगे, फिर ये 2-3 साल में एक नया जो है वो दरख्त तैयार हो जाएगा। देखिए कितने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 यानी कि ये खुद जो है अपना दे देता है कि हाँ भाई इसको लेके जाओ। अरे वाह वाह, ये पहली बार मालूम चली। और मालूम है ये मुझे सुनने में आया था कि इसमें मेल भी होता है फीमेल भी होता है? सारे होते हैं। कैसे पता करते हैं कि कोई दरख्त जो है वो मेल है फीमेल है? ये मेल है, ये कैसे मालूम चल रहा है? जैसे कि ये इसके शोक बड़े हैं ना, शोक बड़े हैं, ये बड़े हैं। ओके ओके, देखो सारे खजूर हैं, मदीना है, मदीना बरनी, मदीना ही से ये खजूर। कौन सा खजूर है ये? ये कच्चे भी तो पूरा कच्चा है नहीं? ये कच्चा है अभी, वो अंदर होता है गाढ़ा है अभी, ये देखो कतल भी है। आहा, एक ले लूं मैं। अरे अरे माशाल्लाह, एक सेकंड जरा शूट करें, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह। क्या नाम बताया इसका आपने? वो रोहतान बरनी, रोहतान। यहाँ नीचे नीचे तक पूरे खजूर जो है पड़े हुए हैं। इसका क्या नाम है भाई ये खजूर का? इसका है वो, ये देखिए दोस्तों, एकदम ये पका हुआ है, ये देखिए बीज भी निकल गया इसका। अभी तो इसमें अभी वो सूख जाएगा फिर निकालेंगे इसको। अच्छा, ये सूखने के बाद से निकालेंगे? बाद में। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ ये भी देखा मैंने। ये इसी तरीके से होता है ना, इसी तरीके से काट लिया जाता है इसको? निकालते गुफे में निकालते, फिर इसको काटते। अभी ये काम का नहीं है। अच्छा, ये खारिज है, वो माल निकाल गया हमने।
अच्छा जो अच्छा था वो निकल चुका है। अच्छा निकल है, अभी काटे इसको फेंकेंगे बस। अच्छा, इसमें कोई केमिकल तो नहीं, खा सकते ना इसको? नहीं नहीं अभी नहीं खा सकते, वो है ना हाँ। ओ, केमिकल लगा है। केमिकल लगा है इसमें। अच्छा, धो के खाते हैं। धो के खाते हैं ओके। दोस्तों कीड़ों से बचाव के लिए इसमें केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं, तो ऐसे डायरेक्टली तोड़ करके नहीं खा सकते हैं, इसको धुल करके भले ही खाया जा सकता है। ठीक है ठीक है, ये भी आ गया, बिल्कुल ये भी आ गया, बड़ा मुदीर है, ये अब्दुल्ला सही है, रखिए आ जाओ। ये सारे भाई लोग हैं ये जो यहाँ पे पूरा इस पूरे बागान की रखवाली करते हैं और इसकी देख रेख करते हैं, जो भी यहाँ की घास की कटाई या कैसे जो भी फल वगैरह उगाना है, काटना है, जो भी काम करना होता है, ये सारे भाई लोग देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारे खजूर सुखाने के लिए रखे गए हैं ना? ये सफाई है, ये अजवा है। ये सीधे अभी जस्ट तोड़ा गया है पेड़ से। ये देखिए एकदम बेहतरीन पका हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस मेरे लिए था और आपको भी देख करके बहुत अच्छा लगा होगा उम्मीद करते हैं। तो ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहला काम आप जो करें वो ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब तक इसका लिंक जो है ज़रूर शेयर करें आप। तो चलें फिर, बड़ों की इज्जत करें, माँ बाप की खिदमत करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।